हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद काम कैसे करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको सबसे नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में सेलेक्ट टू स्पीक का ये ऑप्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट टू स्पीक के इस ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका सेलेक्ट टू स्पीक का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूज सर्विस के ठीक सामने एक बटन दिया हुआ है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो एक नया पेज आ जाएगा, तो आपको इस पेज को ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अलाउ का ये बटन देखने को मिलेगा, अलाउ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको अगले पेज में ये नया पेज आएगा तो आपको इसे ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग जो है वो इनेबल हो चुकी है। अब ये काम कैसे करती है मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी मोबाइल, आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है, चाहे आप फोटो गैलरी में है, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब में, फेसबुक में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी पेज पर है, तो आपको ये सबसे नीचे एक बटन शो हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन का जो है एक इमेज वाला बटन शो हो जाता है, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना है अभी आपको। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वाले पेज में हूँ। अब मैं जो है यहाँ पर इस बटन को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ जो ये नया बटन शो हुआ है यहाँ पर। अब ये रेड कलर का प्ले बटन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको करना है क्या है कि आपको अपनी उंगली से डिस्प्ले के ऊपर आपको रखना है और इस तरीके से आपको खींचना है, ठीक है। इस ग्रीन लाइन के अंदर जितना एरिया कवर होगा लिखा हुआ, जितना एरिया कवर होगा लिखा हुआ, उतना एरिया आपको जो है आपका मोबाइल फ़ोन आपको रीड करके सुनाएगा, यानी पढ़ के सुनाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, अकाउंट्स, व्हाट्सएप, गूगल एंड मीट। तो यहाँ पर ये देखा, इतना ही मैंने एरिया यहाँ पे कवर किया था और इतना एरिया ही मुझे यहाँ पे इसने पढ़ के सुनाया, ठीक है। और अगर मान लीजिए एरिया कवर करने के बाद आप इसे उंगली को हटा लेते हैं, ठीक है, तो आपका अगर ये आवाज़ नहीं आती है तो आपको जो अपने वॉल्यूम का जो एक बटन आपको एक ही बार प्रेस करना है, वॉल्यूम का अप बटन, जिससे आवाज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है बटन को एक बार दबाएंगे तो आपकी जो है आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी सेलेक्ट टू स्पीक की, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है आपकी किसी भी एप्लीकेशन में कहीं भी काम आपकी करेगी, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना नहीं आता या फिर जो भी आपको देखने में दिक्कत हो रही है या फिर पढ़ने में, तो उसे आपको जो है सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को इनेबल करिए और इस सेटिंग को जो है एरिया को कवर कीजिए, उतना एरिया आपको पढ़ के आपका मोबाइल फ़ोन आपको सुना देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है।